और ये है कुछ बस स्टेशन, और ये कुछ हमारी बस है जो मुझे देरिया लेके जाएगी, जहाँ से मुझे मेट्रो मिलेगी। ये देरिया सिटी सेंटर लेके जाएगी, डबल डेकर बस है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फिलहाल मैं हूं अभी शारजा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और ये है मेरी कंट्री नंबर वन। यहां पे मैं अभी पहुंचा हूं, अपनी दिल्ली से 2 घंटे की फ्लाइट लेके मैं पहुंचा हूं अभी शारजा के अंदर, और फिलहाल मैं शारजा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूं। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप शारजा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बस लेके, या प्राइवेट कोई टैक्सी का, अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ से करीम की दुबई की, तो 150 दिरहम ले रही है, जो कि लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप कैसे प्राइवेट बस लेके, एक दो बस बदल के कैसे शारजा से दुबई पहुँच सकते हैं। तो अभी ये सुबह शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एग्जिट गेट है, और यहीं पर देखो ये बसें चल रही है, रोला वाली, और इन वाली बस में बैठ के मुझे जाना है यहाँ से रोला, फिर वहाँ से मुझे एक और बस बदलनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद एक दो बस बदल के जैसे जैसे हम पहुँचेंगे अपनी जर्नी को पूरा दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे आप यहाँ से दुबई तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी को, और चलते हैं यहाँ से दुबई की तरफ। तो अभी मैंने शारजा के एयरपोर्ट से बस ले ली है बस स्टैंड तक के लिए, फिर वहाँ के बाद दुबई की बस मिलेगी। अभी मुझे शारजा के बस स्टैंड पर जाना है, शारजा के एयरपोर्ट से। और ये देखो बस का टिकट लगता है 8 दिरहम का, अगर आप कहीं से कहीं भी जाना चाहें 8 दिरहम का आपका टिकट लगेगा, और कहीं भी जा सकते हैं। फिलहाल शारजा के एयरपोर्ट से शारजा के बस स्टैंड जा रहे हैं बस लेके, 8 दिरहम का टिकट लेके। 8 दिरहम को आप 24 से मल्टीप्लाई कर लेना, मोटा मोटा 25 से भी कर सकते हैं, तो 200 रुपये के आसपास का हमारा किराया लगेगा इसमें। और अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट कैब कर रहा था तो वो मुझे 150-200 दिरहम की पड़ रही है, 200 दिरहम का मतलब 4 हज़ार रुपये के आसपास की पड़ रही थी। अब देखते हैं कितने में हम दुबई पहुँच पाएंगे। फिलहाल ये कुछ दुबई की रोड्स है, देखो यहाँ पर राइट हैंड ड्राइव गाड़ियाँ चल रही है, सब बस भी राइट हैंड ड्राइव है। तो अभी मेरे पास 500 दिरहम का ही नोट था, तो मैंने दे दिया, अभी चेंज बाद में लूँगा। ऐसे कुछ दुबई की रोड है, अभी दुबई के रोड के सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ आपको, उसके बाद फिर आपको सीधे बस स्टैंड पहुँच कर जब दूसरी बस बदलूँगा उसके बाद की देर तब बताऊँगा। ऐसे कुछ दुबई की बस है। बस अपनी राइट लेन में ही ले रही है, यहाँ पर लेन कोई नहीं चलता, सब अपनी लाइन में ड्राइविंग करते हैं। अब बस अपनी लाइन में घुसेगी, फिर लाइन से अंदर एंटर लेगी। इसके अंदर भी एसी लगा हुआ है, बिल्कुल इतनी धूप हो रही है ना, लेकिन 99 नंबर की बस में जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे सब बस में से निकल के आ गए, जब बस आगे खड़ी होगी तब सब निकल के आ गए। तो अभी जहाँ पे मुझे ये बस उतारेगी, मुझे वहीं से फिर देहरा के लिए एक दूसरी बस लेनी पड़ेगी। उस देहरा के वाली जो बस जाएगी वो यहाँ के शारजा के बस स्टैंड से देहरा के बस स्टैंड तक जाएगी, और जहाँ पे देहरा का बस स्टैंड है वहीं से फिर मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद में मेट्रो लूँगा। तो फिलहाल अभी शारजा में जा रहे हैं, इसके बाद स्टेशन आएगा बस का, वहाँ उतरते हैं लास्ट बस स्टॉप पर, फिर वहाँ से देहरा के लिए दूसरी बस लेते हैं। फिलहाल ये कुछ शारजा का इलाका है, और ये देखो बस में USB चार्जिंग भी है, यहाँ पर बैठने के लिए, सामान रखने के लिए सब कुछ है। और यहाँ पर अभी छोटी छोटी बिल्डिंग है, जैसे हम दुबई में जाएंगे ना, दुबई में और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल तो शारजा में तो दिल्ली नोएडा जैसी बड़ी बड़ी, ज़्यादा बड़ी बिल्डिंगें नहीं है, छोटा सा शहर है। देखो PLM ट्रेडिंग सेंटर, शॉपिंग सेंटर सब यही है यहाँ पर। अभी हम पहुंच गए अल जुबैल बस स्टेशन, जहां से मुझे आगे दुबई के लिए दूसरी बस बदलनी पड़ेगी। ये कुछ यहां का बस स्टेशन है, अल जुबैल बस स्टेशन, यहां से बस बदलते हैं, उतरते हैं पहले बस में से अपना बैग लेकर। तो इस बस ने मुझे छोड़ दिया यहां पे बस स्टैंड पे, अल जुबैल वाले पे। इस वाली बस में बैठ के आया था मैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। शारजा एयरपोर्ट से 8 दिरहम लगे मेरे यहाँ तक आने में। अब यहाँ से देहरा दुबई का बस मिलेगा मुझे, जो कि मुझे दुबई के मेट्रो तक लेके जाएगा, और फिर उसके बाद मेट्रो पकड़ेंगे।
तो 306 नंबर बस का वेट करते, तो यहाँ से देरा दुबई जाएगा तो यहाँ पे मेरा बैग रख देना, क्योंकि बैग भी बहुत हैवी है मेरा, 20 किलो का बैग है, तो थोड़ी देर यहीं बैठ कर बस का वेट करते अपनी। और यहाँ से दुबई, यहाँ से देरिया जाने में मेरे 8 दिरहम लगेंगे। और शारजा के एयरपोर्ट से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं ना, तो शारजा के एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं वहाँ पे बहुत सारी बसें खड़ी रहती हैं, आप कोई भी बस लेके बस स्टैंड तक आ सकते हैं, जो मैंने आपको ये बस स्टैंड दिखाया अभी। और फिर यहाँ से आपको देरा की बस मिल जाएगी, ये अल जबल बस स्टैंड है, यहाँ से आपको देरा की बस मिल जाएगी, फिर यहाँ से देरा की बस, और फिर देरा से आपको दुबई की मेट्रो मिल जाएगी। दुबई की मेट्रो का आपको एक कार्ड बनवाना पड़ेगा जो कि 25 दिरहम के आसपास बनता है, वो भी मेट्रो स्टेशन पहुँच के कैसे बनता है वो भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अपनी देरा वाली बस का वेट कर रहे हैं, देरा वाली बस आएगी तो उसमें चलेंगे। ये इस बस स्टेशन का नाम है E306 है, ग्वालियर बस स्टेशन। और यहाँ पे देखो ये बस खड़ी है अबू हॉल मेट्रो स्टेशन पे, 306 नंबर की बस जाएगी जो मुझे दुबई लेके जाएगी। ये डबल डेकर बस है जो मुझे देरिया लेके जाएगी, फिर देरिया से मुझे मेट्रो लेनी पड़ेगी। ये देखो E307 देरिया सिटी सेंटर बस स्टेशन, तो इसमें बैठते हैं अभी। और ये है कुछ बस स्टेशन, और ये कुछ हमारी बस है जो मुझे देरिया लेके जाएगी, जहाँ से मुझे मेट्रो मिलेगी। ये देरिया सिटी सेंटर लेके जाएगी, डबल डेकर बस है ये। तो अभी ये बस मिल गई मुझे E307 नंबर की, और इसके लिए टिकट तो मुझे कहीं से मिला नहीं, लेकिन फिर मैंने ये नोल कार्ड बनवा लिया जो बस में और मेट्रो में हर जगह काम करेगा। फिलहाल मैं सबसे फ्रंट वाली सीट पर बैठ गया, ये डबल डेकर बस है तो इसकी मैं फ्रंट वाली सीट पर बैठ गया, और ये कार्ड मैंने बनवाया, इसी को टैप करके आपका टिकट कटता है। तो फिलहाल ये बस यहाँ से मुझे छोड़ देगी दुबई देरा सिटी सेंटर, और वहाँ से फिर मेट्रो में भी यही कार्ड काम करेगा। तो फिलहाल ये 1:05 पर चलने वाली है बस, उस बस में ही चलते सीधे देरा सिटी सेंटर तक। पूरे एग्जैक्ट 1:05 पर यह बस चल चुकी है अपनी, देखो। और आगे सबसे फ्रंट वाली सीट पर मैं बैठा हूँ, पूरी बस में कोई नहीं है, और ऑटोमेटिक ये बस चले जा रही है। तो फिलहाल चलते हैं सीधे देरा बस स्टैंड पे, और वहाँ से भी मेट्रो लेंगे। तो देखो दुबई की सड़कें और दुबई की ट्रक्स सब कुछ दिखेगा यहाँ से फ्रंट सीट पर, और कोई भी ड्राइवर नहीं है इस बस में, मतलब मैं डबल डेकर बस के ऊपर वाले बैठूँ, ड्राइवर मेरे नीचे वाली फ्लोर पर है सर बस, तो ड्राइवर ही चलाएगा। और ये कुछ है बस स्टैंड देखो शारजा का, और ये देखो यहाँ का बस स्टैंड कैसा होता है, इसके अंदर एसी लगा रहता है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है ना, तो एसी वाला बस स्टैंड होता है, जब बस आके रुकती है तो इसमें आके सवारी बैठ जाते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही अंदर बैठा रहता है सब, पूरा ऐसा कुछ रोड है। देखो देखो बस पकड़ के पहुंच गए हम देरा सिटी सेंटर के बस स्टैंड पे, डबल डेकर बस थी और यहीं पे बस स्टॉप है देरा सिटी सेंटर का। अब यहाँ से चलेंगे देरा सिटी सेंटर के बस स्टैंड से देरा सिटी सेंटर के मेट्रो स्टेशन पे। तो फिलहाल यहाँ से बस से उतर के मेट्रो स्टेशन पे चलते हैं, फिर वहाँ की टिकट लेके और वहाँ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर चलते हैं डायरेक्ट, जहाँ पर मैंने अपना होटल बुक करा है। ये है कुछ देरा सिटी सेंटर का बस स्टॉप। अगर आपको कार्ड लेना है यहाँ से आप कार्ड भी खरीद सकते हैं, कार्ड को अगर रिचार्ज करना है तो वो भी आप इस मशीन से कर सकते हैं, बस स्टॉप पर मशीनें लगी रहती है ये वाली। तो फिलहाल मेट्रो स्टेशन पर चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे है मेट्रो स्टेशन। ये थी अपनी कुछ बस जिसने हमें यहाँ पर उतार दिया, दुबई की बस थी ये, RTA मतलब रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कुछ दुबई करके थी। अब यहाँ से 5 मिनट की पैदल वॉक पे है बस मेट्रो स्टेशन, तो 5 मिनट की पैदल वॉक करके मैं मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ। अभी मुझे यहाँ के रूल पता नहीं है, तो मैं सड़क पर ऐसे ही पैदल पैदल घूम रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, कोई मुझे पकड़ भी सकता है, पर फिलहाल ऑप्शन नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सबसे पहले अपने मेट्रो स्टेशन पकड़ते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे बहुत सारे सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए मेट्रो स्टेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। और यहीं पे थोड़ा सा 5 मिनट पैदल चल के सामने देखो जो डब्बा सा दिख रहा ना, ये वाला छतरी सी, ये है मेट्रो स्टेशन, तो हमें इसके अंदर जाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं और फिर आगे मेट्रो स्टेशन की एंट्री लेंगे, देखते हैं क्या हिसाब है। गर्मी बहुत हो रही है, खाने पीने का सामान भी होटल जाके देखेंगे, पहले बैग रख दूँ, ये बैग बहुत भारी है। अभी देखो मेट्रो स्टेशन मिल तो गया, लेकिन मुझे ना ये पूरी रोड क्रॉस करके वहाँ जाना पड़ेगा, वो मेट्रो स्टेशन है।
तो सबसे पहले फुटपाथ से ऐसे जाके तब मेट्रो स्टेशन जाना पड़ेगा। यहाँ ये नहीं है कि आप ऐसे कहीं से भी कूद जाओ, तो फिलहाल फुटपाथ से अपने रोड क्रॉस करते हैं। अब यहाँ पे ये मशीन लगी है कि पुश द बटन एंड वेट फॉर सिग्नल, जब वो आगे ग्रीन हो जाएगा तभी सड़क क्रॉस कर सकता हूँ मैं। मैंने बटन तो दबा दिया है, अब देखते हैं ग्रीन कितनी देर में होगा। ये तो अपनी लाइट भी ग्रीन हो गई, अब जब ये लाइट ग्रीन रहती है तभी रोड क्रॉस कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे पैदल वालों को भी फाइन कट जाता है, चारों तरफ कैमरे लग रहे हैं। तो ये लाइट ग्रीन हो गई, अब मैं सीधा मेट्रो स्टेशन के अंदर एंट्री ले रहा हूँ। ये है 30 स्ट्रीट अलीताड रोड, यह सिटी सेंटर देरिया का मेट्रो स्टेशन, और यहीं पर एंट्री है इसकी। फिलहाल ये बहुत भारी बैग है, इसको हाथ में लेके जाना पड़ रहा है। यहाँ पे कोई एस्केलेटर नहीं है, यहीं पे ये मशीनें लगी हुई है, नीचे आपको टिकट मिल जाता है, और अगर आपको कार्ड रिचार्ज करना है वो भी हो जाता है, तो अपने एटीएम से टिकट भी ले सकते हैं और कार्ड रिचार्ज भी कर सकते हैं। और ये अपना दिल्ली मेट्रो की तरह है, यहाँ पे कार्ड टैप करो आगे बढ़ जाओ। और ये वाला नोल कार्ड मैंने 30 दिरहम का लिया था, जिसमें मुझे 19 दिरहम मिले थे, और अब इसमें 12 दिरहम बचे। अब देखते हैं मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, मैं कहाँ पे हूँ पहले तो वो देखना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, देखो सिटी सेंटर देरा पे, और यहाँ से मुझे रेड लाइन पकड़ के और ऐसे ऐसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर उतरना है R22 पे। तो R22 पे चलते हैं, ये कुछ इसका मैप है। तो अपने मेट्रो को मैंने एंट्री ले लिया, अब एक्सपो की तरफ चलते हैं, एस्केलेटर ले गए। यहाँ से सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये है नेक्स्ट ट्रेन टू एक्सपो 2020, और यहाँ से मुझे लेनी है ट्रेन एक्सपो 2020 से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ। तो ये वाली मेट्रो आ गई अपनी, इसको लेके चलते हैं अपने दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जहाँ पे 22 नंबर पर। तो फाइनली मैं पहुँच गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मेट्रो स्टेशन पे। देखो कितना सुंदर मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे, और ये कुछ ऐसी मेट्रो है यहाँ की, दुबई की, दुबई का मेट्रो स्टेशन है। अब यहाँ से लिफ्ट लेके चलते हैं नीचे अपने होटल की तरफ, क्योंकि मेरा होटल भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे ही है। फिलहाल ये कुछ ऐसा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मेट्रो स्टेशन, तो फिलहाल यहाँ से लिफ्ट लेके चलते हैं नीचे, एग्जिट लेते हैं, फिर उसके बाद देखा तो कहाँ पर अपना होटल मिलेगा। तो ये सीधे हम नीचे प्लेटफॉर्म पर एग्जिट ले लेंगे, और उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ पर अपना होटल है। जब द अपार्टमेंट होटल बुक करा है मैंने जाके पहले होटल, तो अपने 5 दिरहम कटे अपने नोल कार्ड में से, और मैं पहुंच गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहाँ पे मुझे आना था शारजा से। और सीधे होटल चलते, होटल में चेक इन करके बाकी की डिटेल तब बताता हूँ। तो ये है दुबई का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, और यहीं पे मेरा होटल है। थोड़ा सा 200 मीटर की वॉक दिख रहा है, 200 मीटर की वॉक करते हैं, और होटल के बिल्कुल अंदर पहुँच के बाकी की डिटेल मैं तब बताता हूँ। तो फिलहाल चलते हैं अपने होटल द अपार्टमेंट्स के अंदर, देखते कैसा होटल का रूम मिलेगा। तो फाइनली हालत ख़राब हो गई अपनी, और ये मिल गया हमारा द अपार्टमेंट्स दुबई वेलकम, और ये होटल का कमरा मिल गया 706 नंबर का, 7th फ्लोर पे है। तो अभी चलते हैं सीधे होटल के रूम के अंदर, ये कुछ मेरा होटल है द अपार्टमेंट्स दुबई, जो बिल्कुल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे ही है। अभी रूम दिखाता हूँ चल के आपको, चलो। ये रहा अपना रूम नंबर 706, ये लगाएंगे। तो ये कुछ अपना रूम है द अपार्टमेंट्स दुबई के अंदर। फिलहाल देखो इसमें टीवी भी है, चाय कॉफ़ी सब कुछ है। फिलहाल बैग रखता हूँ, फिर बाकी की डिटेल आपको बाद में बताता हूँ। तो फिलहाल मैं अपने रूम में आ गया हूँ, ये होटल मैंने बुक किया है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बिल्कुल पास में। इसका नाम है द अपार्टमेंट्स दुबई, और इसके लिए मैं पे कर रहा हूँ 5000 रुपये पर नाइट, या पर डे जो भी बोल सकते हैं, एक दिन का 5000 रुपये का रूम है। तो फिलहाल मैं आपको रूम दिखा दूँ कि रूम मैंने दुबई के अंदर कैसे लिया है। इसके अंदर एक डबल किंग साइज का बेड मिलता है, और जैसे ही मैं शुरू से एंट्री लेके दिखाता हूँ कैसा है। जब आप एंट्री लेते हो तो आपको ये कुछ ऐसा व्यू मिलेगा, यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं लाइट। तो फिलहाल जब आप एंट्री लेते हो तो ऐसा कुछ रूम है, एंट्री लेते ही आपको मिलेगा सबसे पहले बाथरूम। बाथरूम में दिखा देता हूँ, काफ़ी साफ सुथरा क्लीन बाथरूम है। उसके बाद आप बाथरूम में टेलीफोन है, इधर एक बाथ टब भी आपको मिलेगा, बाथ टब मिलेगा, लॉन्ड्री मिलेगी, फेस वॉश लोशन मिलेगा, शावर है, सब कुछ है पूरा ये इसका बाथरूम है। जैसे ही आप बाथरूम से बाहर निकलेंगे तो आपको ऐसा एक इतना बड़ा, काफ़ी बड़ा रूम मिलता है, जिसके अंदर आपको 2 वर्क टेबल मिलती है। अगर आपको बैठ के काम करना है तो आप इस टेबल पर बैठ के भी काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर इस टेबल पर बैठ के भी काम कर सकते हैं। ये तो हो गए 2 वर्क टेबल, और एक ही बड़ा किंग साइज का बेड आपको मिलता है। बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना मस्त है, बिल्कुल सामने ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। मेरे बिल्कुल लेफ्ट में ना 100 मीटर पर देखो दुबई की मेट्रो जा रही है सामने, और 100 मीटर पर बिल्कुल यहाँ पर वो है
द म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, बिल्कुल उसके म्यूजियम ऑफ फ्यूचर के बराबर में ये होटल है। और यहाँ पे देखो टीवी है, एक टेबल है, ड्रॉवर है जिसमें आप सामान रख सकते हैं अपना, एक आपको माइक्रोवेव मिलता है रूम के अंदर ही, मतलब एक तरह से आप कुछ अगर बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं। उसके बाद आपको एक फ्रिज मिलता है जिसके अंदर भी कुछ नहीं है, अगर मैं आपको सामान ला के रखूंगा तो रख सकता हूँ। दो कप मिलते हैं, कॉफी मिलती है, मिल्क डालने के लिए मिलता है टेस्ट लाइक फ्रेश मिल्क, और पानी गर्म करने के लिए कैटली, दो गिलास, दो पानी की बोतल, और एक इधर वर्क टेबल, एक डस्टबिन रखा हुआ है। और दूसरा ये अलमारी दिखा दो, मैं इस अलमारी में क्या क्या मिलेगा। फिलहाल इस अलमारी में एक तो लॉकर है, और दूसरा लॉन्ड्री बैग है, अगर आपको अपने कपड़े गंदे धुलवाने के लिए देने हैं तो वो आप इस बैग में डाल के बाहर लटका दे। और ये यहाँ के कुछ लॉन्ड्री के रेट है, अगर आपको रेट भी देखने हैं तो आप रेट भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पूरे रेट, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, तो आपकी लॉन्ड्री भी हो जाएगी। यहाँ पे आपका पासपोर्ट वगैरह रखने के लिए लॉकर है, और यहाँ पे कुरान रखी हुई है इन्होंने दुबई के अंदर अपने होटल के अंदर ही, जिसको किसी को अगर कुरान पढ़नी है तो कुरान भी पढ़ सकते हैं। और ये लॉन्ड्री पिकअप के लिए यहाँ पे टैग मिलेगा, अगर आपको कपड़े धुलने के लिए लटकाने हैं तो बाहर इसको लटका दीजिए, जब भी कोई आएगा तो आपके कपड़े ले जाएगा। दूसरी अलमारी मिलती है जिसके अंदर आपको हैंगर वगैरह मिल जाते हैं, काफ़ी बड़ी अलमारी है, और प्रेस करने के लिए आपको प्रेस मिलती है, प्रेस का स्टैंड मिलता है। क्योंकि मेरी भी शर्ट, दो शर्ट खराब हो रही थी तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी दो शर्ट पे प्रेस यहीं पे कर लूंगा तो मेरे प्रेस के पैसे बच जाएंगे। तो फिलहाल ऐसा कुछ है, द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास द अपार्टमेंट्स होटल दुबई के अंदर, 5,000 रुपये पर नाइट में मैंने इसको booking.com से बुक करा है। और शारजा एयरपोर्ट से मैंने एक बस ली शारजा के बस स्टैंड तक के लिए, और वहां के बस स्टैंड तक उसने मुझसे 8 दिरहम का चार्ज किया, जो कि पर राइड बस का 8 दिरहम का चार्ज लगता है। उसके बाद मैंने शारजा के बस स्टैंड से अपना नोल वाला कार्ड बनवा लिया था, जो कि ये एक कार्ड होता है, मेट्रो में भी यही काम करता है और बस में भी यही काम करता है। जब आप बस में चढ़ते हैं तो आपको उसको टैप करना होता है और आपका 8 दिरहम कट जाता है। और मेट्रो फिर शारजा के बस स्टैंड से मैंने देरिया मेट्रो स्टेशन तक की बस ली, जिसके लिए 8 दिरहम मेरे दोबारा से कटे तो 16 दिरहम हो गए। और फिर मैंने देरिया के मेट्रो स्टेशन से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मेट्रो स्टेशन तक दुबई की मेट्रो ली, जिसके लिए मेरे 5 दिरहम कटे, तो 8, 8, 16 और 5, 21 दिरहम मेरे लगे। 21 दिरहम को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे 550 रुपये के आसपास टोटल खर्च हुए हैं शारजा के एयरपोर्ट से दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तक आने के लिए। उसके बाद अगर मैं वहां पे कैब देख रहा था, कैब 180 रुपये, 170 रुपये ऐसे दिखा रही थी, 170 दिरहम, जिसमें मेरे 20 ही दिरहम लगे हैं। तो मतलब इतने पैसे मैं बचा लिए अपने शारजा के एयरपोर्ट से अपने होटल तक पहुंचने में। और ये होटल भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये होटल कैसा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और आने वाली दुबई की पूरी सीरीज को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं जल्दी अगली सीरीज में, जहां मैं आपको दुबई की अलग अलग चीजें घूमने के लिए दिखाऊंगा, दुबई का मार्केट दिखाऊंगा, क्या क्या यहाँ पे चीजें सस्ती मिलती है, क्या क्या महंगी मिलती है, पूरा दुबई में आपको आने वाले 10-15 दिनों के लिए घुमाने वाला हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।